अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, तो तुम सब बस यही बोलते हो कि दी टाइम ही तो नहीं है, पता ही नहीं चलता तुम्हारा दिन कहाँ बीत गया। तुम्हारे सामने जो पिक है वो तुम्हारे ही रिस्पॉन्सेज है, जहाँ तुम हमें बताते हो कि तुम्हें बहुत इश्यूज आते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके। सबसे पहले तो ये समझो कि हर इंसान के पास टाइम सेम ही है, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास भी उतना ही समय है जितना किसी और के पास है। इट इज़ नॉट अबाउट कंप्लेनिंग, इट इज़ अबाउट मेकिंग द बेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव इन योर हैंड्स। तुम्हें भी पता है कि किसी के दिन में 12 घंटे नहीं होते, ना किसी के 48, ठीक है? सो अगर सभी के पास टाइम सेम है, तो एज लेने के लिए क्या 24 घंटे बस पढ़ते रहोगे? नहीं, हम सब जानते हैं ना ही ये पॉसिबल होगा, ना ही इसकी दूर दूर तक कोई ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि तुम्हारे पास एक कैच के लिए वक्त बचता कितना है। हम सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी सी मैथ लगा लेते हैं। हम सब तुम्हें हमेशा बोलते रहते हैं स्लीप के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, राइट? सो तुमने 8 घंटे की नींद कर ली, दैट इज़ सफिशेंट इनफ। एंड उसके बाद तुम्हारे पास 3 घंटे मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम्हारे खाने पीने के लिए, इससे तुम्हारे पास अब बचते हैं 13 घंटे। सो 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा दीदी, सच्ची सिर्फ एकेडमिक्स 13 घंटे? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे तुम निगलेक्ट कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगती है। दिस इंक्लूड्स योर फिजिकल एक्सरसाइज, तुम्हारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। हम जब तुम्हारे फॉर्म्स एनालाइज करते हैं, तो हमें बहुत क्लियरली दिखता है कि काफ़ी लोग बीमार होते रहते हो बहुत फ्रीक्वेंटली। तुम लोग एग्जॉस्टेड फील करते हो और फोकस नहीं बन पाता है। दिस इज़ एग्जैक्टली वेर यू आर मिसिंग आउट। तुम कोई रोबोट नहीं हो कि पूरे दिन बस काम कर पाओ, थोड़ा वक्त तुम्हें खुद के लिए निकालना भी होगा। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जब तुम एक लॉन्ग जर्नी में हो जितना तुम्हारा गेट्स। मेक श्योर कि जब तुम इन 2 घंटों को यूज़ कर रहे हो, तब तुम्हारे दिमाग में कोई भी एकेडमिक के थॉट नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग इन 2 घंटे शांत हो जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा जब नेक्स्ट स्लॉट हो तो वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है? सो ये सब करने के बाद अब तुम्हारे पास बचते हैं 11 आवर्स जो तुम एकेड्स की ओर डिवोट कर सकते हो। आई नो इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लेट्स सी कैसे फिगर आउट करते हैं इसको। पहले तो तुम लोग की क्लासेस, किसी के क्लासेस बहुत ज़्यादा होता है, किसी के बहुत ही कम, बट सर्टेनली क्योंकि ये बहुत एंड का टाइम है, वी आर जस्ट 1 month अवे फ्रॉम मेंस, तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि तुम्हारी 2 घंटे के लेक्चर्स हैं जो तुम लाइव अटेंड कर रहे हो, या तुम्हारी कोई क्लास है जो एकदम ही अनअवॉइडेबल होती है, ठीक है? सो अब तुम्हारे पास बचे 9 आवर्स। ये 9 आवर्स, दिस इज़ द टाइम यू हैव फॉर योर सेल्फ स्टडी। और इस फेज़ में आके तुम इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो अपने सेल्फ स्टडी के लिए। अब दीज आर द 9 आवर्स विच विल मेक अ डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस, ठीक है दीदी? बट प्रॉब्लम तो यही है ना, पढ़ते तो हम हैं बट एफिशिएंसी तो नहीं आती, दिन के एंड में सेटिस्फैक्शन ही तो नहीं मिलता है, ठीक है? देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पास 9 आवर्स है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, बट इसको भी तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करना है, राइट? मैं तुम्हें 2 स्कीम्स बता रही हूँ। 1 इज़ जब तुम्हारा एक नॉर्मल दिन है, जहाँ तुम्हें सिर्फ थ्योरी और सॉल्विंग, यही दोनों चीज़ें होती है। और एक दूसरी स्कीम होगी फॉर द डेज व्हेन यू हैव योर मॉक्स, ठीक है? सो फॉर द स्कीम 1, जो तुम देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, योर फर्स्ट 1 आवर विल बी कम्प्लीटली फॉर योर थ्योरी। तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, PCM, कम्प्लीटली एज पर योर सिचुएशन। उसके बाद तुमने एक सॉल्विंग लगा लिया 3 आवर्स का। हमेशा एंड में आके तो स्पेशली तुम्हें यही कोशिश करनी है कि तुम्हारा सॉल्विंग स्लॉट एटलीस्ट 3 आवर्स के हो। तुम्हारा माइंडसेट अब बनना शुरू हो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो ये भी कोशिश करो कि तुम्हारा जब सॉल्विंग स्लॉट हो रहा है, तो उसका टाइम तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम से मैच करे, दैट इज़ वो 9 से 12 या फिर 3 से 6 या दोनों उसी रेंज में रहे, ठीक है? सो फर्स्ट सॉल्विंग स्लॉट के बाद तुमने वापस थोड़ी देर शिफ्ट कर लिया थ्योरी पे फॉर 1 आवर, एंड अगेन तुमने सेकेंड सॉल्विंग स्लॉट लगा लिया, ठीक है? बट बात तो 9 आवर्स की हुई थी, ये तो 8 आवर्स हुए। नाउ द रिमेनिंग 1 आवर, दिस इज़ फॉर योर रिविजन एंड योर स्पिल ओवर्स। तुम्हें ये समझना होता है कि जब तुम किसी काम को 1 घंटे का समझते हो, कई बार वो उससे ज़्यादा खींच जाएगा। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है, तुम्हें उसको उसमें विक्टिमाइज फील नहीं करना है।
तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारे स्केड्यूल में ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, दिस इज़ द स्लॉट फॉर दैट। अगर तुमने एकदम परफेक्ट प्लान किया है और तुम्हारे कोई स्पिलओवर्स नहीं है, वेरी नाइस, तो तुम इसे अपने रिविजन के लिए यूज़ कर लो। जो तुमने पूरे दिन में किया उसको समराइज कर लो, ठीक। इस गेम से तुमने इन ऑल 4 आवर्स की थियोरी, 2 प्रॉपर सॉल्विंग स्लॉट एंड 1 आवर ऑफ रिविजन, सब कुछ कवर कर लिया। एट द सेम टाइम तुमने खुद के लिए भी टाइम निकाला। दैट्स अ वेरी प्रोडक्टिव डे फॉर एनी एस्पिरेंट, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल डे। नाउ फॉर डेज व्हेन यू हैव योर मॉक्स, तुम्हारा टेस्ट होता है फॉर अराउंड 3 आवर्स, राइट। जैसा कि हम तुम्हें बताते हैं कि कोई भी मॉक टेस्ट जब तक एनालाइज नहीं होता तब तक वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता है। सो यू गिव अराउंड 2 आवर्स फॉर द एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट, ठीक। अब तुम्हारे पास बचता है 4 आवर्स। तुमने जब किसी टेस्ट को एनालाइज किया, तुम्हें दिखेगा कि उसमें से कौन से चैप्टर्स में तुम अभी भी वीक हो। बचे हुए टाइम में तुम उस चैप्टर पर फोकस कर सकते हो, या फिर पूरे हफ्ते में तुमने जो जो कवर किया है तुम उसका मिक्स सॉल्विंग कर सकते हो, उसे और स्ट्रेंथन कर सकते हो, ठीक। सो ये हो गया तुम्हारा मॉक टेस्ट का दिन। ये ऐसा दिन था जहाँ पे तुमने मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद तुम्हें जो अपनी वीकनेस दिख रही थी तुमने उस पर भी काम कर लिया। अगेन अ वेरी प्रोडक्टिव डे। अगर तुम एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो फिलहाल कोई सीरीज फॉलो कर रहे हो यूट्यूब के किसी भी चैनल पे, देन योर डे विल टिपिकली लुक लाइक दिस। मैंने यहाँ पे वेदांतो जी के रुद्रा सीरीज के बेसिस पर तुम्हारे स्लॉट्स डिवाइड किए हैं। तुम इसे डेफिनेटली वेरी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन तुम कहाँ पे फॉलो कर रहे हो। सो तुम स्टार्ट करोगे विद अ 3 आवर ऑफ थियोरी सेशन, जो तुम्हारा फर्स्ट सेशन होगा। उसके बाद तुम 1 घंटे का सॉल्विंग कर रहे हो, फॉलोड बाय योर सेकंड सेशन, एंड एंड में वापस तुम 1 घंटे का सॉल्विंग कर रहे हो। योर लास्ट 1 आवर, एज मैंने पहले भी बताया था, विल बी फॉर योर स्पिल ओवर्स एंड योर रिविजन। अगर तुम्हारे उस दिन में कोई स्पिल ओवर्स नहीं है तो तुम इसे अपने रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब तो मानते हो ना कि इट्स नॉट अबाउट तुम्हारे पास टाइम कम है, इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स, मेकिंग द बेस्ट यूज।